अगर आपका YouTube पे कमेंट्री चैनल या फिर रोस्टिंग चैनल है और आप अपनी वीडियोस में मीम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आपकी वीडियो और ज्यादा फनी और रिलेटेबल लगे। आपने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा होगा जस्ट लाइक कैरी मिनाटी एंड ट्रिगर इंसान जो अपनी वीडियोस में इतने तगड़े मीम एडिट करते हैं जिनको देखने के बाद हम अपनी हंसी को रोक नहीं सकते। और आपको भी ऐसे ही तगड़े मीम्स एडिट करने हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट टू हीरो MCPE जिन्होंने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया। और आप भी ऐसे टॉपिक मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं बाय कमेंटिंग। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नॉलेज प्रिंटर। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना किसी शुभ मुहूर्त के। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे काइन मास्टर। और आप ये देख सकते हैं ये मेरी नई वीडियो है जो मैंने अपने नए चैनल पे पोस्ट किया है, ये भी रोस्टिंग से रिलेटेड है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पायल जोन की। ये औरत का कोई भरोसा नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मीम्स का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है। और अगर आप भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अब बेसिकली ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें गेम प्ले की वीडियो लगेंगी जिसके पीछे हम आवाज़ दे सकते हैं, चाहे तो आप फेस कैम भी कर सकते हैं। और बात रही हम ऐसे मीम्स कहाँ से ला सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे सिंपली आपको ऐसे बहुत सारे मीम मिल जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा कि सब मीम में कोई वाटर मार्क ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं गेम प्ले हम लोग कहाँ से लाए, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपको फ्री गेम प्ले वीडियो देते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, हम ऐसी वॉइस क्वालिटी कैसे देंगे क्योंकि रोस्टिंग कंटेंट में वॉइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसके लिए आप मेरी वॉइस एडिटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, रेशियो 16:9 सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग को गेम प्ले चाहिए, तो ये मैंने सिंपली गेम प्ले को एक्सपोर्ट किया और ये गेम प्ले आ चुका है। अब सिंपली मैं इसको आगे से स्प्लिट कर देता हूँ और ये आ गया हम लोग का गेम प्ले। इसकी वॉल्यूम हम लोग कम कर देते हैं। अब इसमें हम लोग ऑडियो ऐड करते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारी वीडियो बन चुकी है। अब हमें वो डक वाला क्वैक का ये चाहिए, तो आप YouTube पे सिंपली इसको सर्च कर सकते हैं, वो मीम आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जो बेकार का पार्ट है हम लोग उसको सिंपली यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं, आई मीन स्प्लिट कर देते हैं। और ये सॉन्ग को भी हम लोग यहाँ से अब सिंपली हम लोग इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे प्लस के पास आके हम लोग को वो करना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे देख सकते हैं मैंने वो वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। और ये देख सकते हैं कि ये रही डाउनलोड, तो इसको मैंने सिंपली स्प्लिट किया और इस पार्ट पे आके सिंपली इसको ये किया। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब जरा वीडियो को एक और बार लुक देखते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा मीम आया, ये बहुत फनी था। लेकिन अब आप पूछेंगे जो मैंने ब्लेंडिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया था वो कैसे किया था, तो इसके लिए भी सिंपली आपको मीडिया पे जाना है और ये ऑलरेडी मेरा डाउनलोडेड है, यहाँ नीचे में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको उसको बेकार पार्ट को क्रॉप कर देना है। ये मैंने क्रॉप कर दिया और जहाँ तक मेरे को चाहिए वहाँ तक ले लेता हूँ।
आप पूरी वीडियो मेरे नए चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप ऐसे ही करके बहुत तगड़े मीम्स बना सकते हैं फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।